तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ RPF का, जो कि रोल नंबर अलाउड कर दिया गया है। ठीक है ना, आपको ध्यान से देख लिया, रोल नंबर अलाउड कर दिया गया। मैं थोड़ा लेट हो गया है दोस्तों, ठीक है, और थोड़ा कुछ काम था इससे मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन आप टेंशन ना लें। ठीक है, और मैं बताता हूँ कि कैसे आपको रोल नंबर अलाउड किया गया है, और आपको जितने भी भाई लोग हैं कृपया जल्दी से आप लोग देख ले रोल नंबर जिनका भी है, और जो भी लोग भी एप्लीकेशन प्रिंट आउट जो नहीं निकाल रहे हैं अपना हार्ड कॉपी का, उसको आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से प्रिंट करके। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ स्क्रीन के ऊपर इस तरह से इंटरफेस कर दिया, ये देखिए दी कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन है, दी रोल नंबर, ये जो ब्लू और रेड में जो ब्लिंक हो रहा है ये दी रोल नंबर, वुड में भी मेड अवेलेबल दी कैंडिडेट और 15 नंबर थे, यहाँ पर 15 नंबर से आपका लिंक अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कैसे करना, तो आपको लॉग इन करना होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन प्रिंट में जाके लॉग इन करना है, या सिक्योरिटी और रोल नंबर, यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर आपको जाना है, और यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, जो भी आपका जोन सिलेक्ट किया हुआ है उसमें आप लोग जाएँ। तो मैं चलता हूँ इसमें ग्रुप एफ में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने खुल चुका है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को लॉग इन करना है, जो कि RPF स्पेशल रिकॉर्ड में फॉर दी पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल, यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे इंटर कैप्चा करना है, लॉग इन करना है हम लोगों को। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और इंटर कैप्चा करना है, साफ साफ देख सकते हैं। और यहाँ पर V4DYK4 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। ठीक है, जैसे मैं डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो सिलेक्ट करना है वो देखिए मैं दिखाता हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से कुछ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है हम लोगों को, और तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने लोग यहाँ पर, और यहाँ पर कैप्चा डालना है। ठीक है, जो भी कैप्चा हम लोग डालते हैं, जैसे कैप्चा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4DYK4। ठीक है, तो ये हमारा कैप्चा डाला हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को लॉगिन करना है। ठीक है, तो मेरे पास फ्रेंड्स बता दो, तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है किसी का, अगर किसी का करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा। तो मैं बस बता रहा था, जैसे ही मैंने किसी का कैंडिडेट का दिखा था, लॉगिन किया था, तो मैंने देखा तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पर रोल नंबर शो कर दिया गया। ठीक है, रोल नंबर वहाँ पर शो कर दिया गया, और एप्लीकेशन प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल पाइएगा। तो एक अच्छी खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके तो देख लें, और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल हो तो सवाल करें, कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो बस ये छोटा सा अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक, और मैंने पहले मैंने सोचा कि परसों ही वीडियो बना देता, शायद मैंने सोचा था कि 14 तारीख को ही मैं वीडियो बना देता, 14 नवंबर को, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन आप टेंशन ना लें। और IRB का जॉब कैसा है मैं इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा, IRB SSGD और भी जो SI का है, और अपडेट में देते रहूँगा। ठीक है, आगे अपडेट में हमेशा देते रहूँगा। तो बस ये अपडेट था फ्रेंड्स, और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो सवाल करें, कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।